अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वसलातुहु वसलामुहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन वअस्हाबिहि المطهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنے بے سر ساما مدد قبلے دی مدد کعبے ایمان مدد बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मददुनिया मुईनद्दीन चिश्ती कादिरी अपना रहे गौसे आजम मीजनम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलमी जनम खुदा शाहिद है वो बाज़ार लगता है मदीने में जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में मदीना छोड़कर अख्तर भला जन्नत को क्यों जाए ये जन्नत क्या हर किने मत मदीने की बदौलत है बोलो बड़ा दी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बस्ती वालों ने सजाया है और बड़ी मेहनतें इस प्रोग्राम को सजाने में और आपको इसकी तरफ रग़बत दिलाने में और आपको इसकी तरफ तवज्जो दिलाने में आपके गांव की एक अजीम शख्सियत जो देखने के एतबार से तो बहुत छोटे हैं लेकिन इल्म के एतबार से बहुत बड़े हैं। ये मौलाना आकिब साहब ये कोई नाम के मौलवी नहीं है बल्कि काम के भी आलिम दीन हैं। अभी जब यहाँ पर हम आए थे तो छोटे छोटे बच्चों को हमने देखा कि वो नबी की नात पढ़ रहे हैं, नबी के नात के नगमे गा रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बेहतरीन अंदाज में कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस गांव के अंदर और तो कोई शायद आलिम दीन के नाम पर कोई नहीं है। जैसा कि मुझे मालूम हुआ तो मुझे बताओ ये सारी मेहनतें और सारी कोशिशें किसकी हैं? ये आपको कहना पड़ेगा कि सारी मेहनतों का सिला जो है वो मौलाना आकिब साहब से मिला की है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो बहुत अच्छा लगा, सिरसा का नाम तो बहुत सुना था और ये हाफिज रिजवान कादरी साहब जो अभी बैठे हैं यहाँ पर और अभी आपको नबी की नात सुनाएंगे, ये तो महीनों से जो है सिरसा का तस्करा कर रहे थे, समझ रहे? आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, इनको तो जानते ही होंगे आप। उसकी आवाज अगर ये सही है तो ये दे दी मुझे, आवाज कम क्यों हो रही है?
ऐसा तो हम बीमार हो जाएंगे। वो मैक लगा दूंगा, वो वाला लगा, वो ही जो मैक है वो वाला लगा। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर इंतहाई अदतो मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़े हक़ीक़त मुस्तफ़ा जान रहमत शमे बज़्म हिदायत नौशहे बज़्म जन्नत सुबह कायनात के शमसुल दुहा शाम कायनात के बदरु दुजा गुम्बदे खदरा में आराम फरमाने वाले आका मौला जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुकद्दस में हदीए दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अभी आप हाफिज रिजवान कादिर साहब से बहुत ही अच्छे अंदाज में नबी की नाज सुनेंगे और आपको मजा आ जाएगा। बहुत अच्छा पढ़ते हैं ये, कभी अलीगढ़ है कभी जयपुर है कभी दिल्ली की सरजमीन पर है और नाना का तस्करा तो इन्होंने पता नहीं कितने मर्तबा कर दिया होगा। माशाल्लाह जज्बात आपके बहुत है, अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए। तो मैं भी जो है चंद अशआर नबी के नात को सुना दूं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आपने माइक कितने लाके रख दिए हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कितने लोग एक साथ पढ़ेंगे। इनने खुल लगवा ली है, मैं क्या करूं बताओ, सेटिंग इसकी सही नहीं हो पा रही है। ये सही है पंपा, ये जो लाइट है तो वो बंद कर, लाइट नहीं बना हुआ है। चलिए दो तीन शेर मुलाहिज़ा फरमाएं, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। और अगर सारे बंद होके एक सही हो सकता हो तो कर दीजिए, इसको तकरीर में नहीं चल पाएगा। चलिए ना शरीफ पे चंद चार मुलाहिज़ा फरमाएं, अगर शेर अच्छा लगे तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बातिल ने जब जब बदले हैं तेवर, बातिल ने जब जब बदले हैं तेवर, आया है तब तब मेरी ज़बां पर। बातिल ने जब जब बदले हैं तेवर, आया है तब तब मेरी ज़बां पर। नाराए आपको भी मिलकर पढ़ना है नबी की नात, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। अगर पढ़ना जानते हैं मोहब्बत से पढ़े आप। बातिल ने जब जब बदले हैं तेवर, आया है तब तब मेरी ज़बां पर। नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। और सवाल शेर सुनो, इंशाल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। प्यारे अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, शाद व आबाद रहे आप। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आपको भी इल्म व अमल की दौलत से मालामाल फरमाए। शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, यहाँ से लेकर वहां तक सबको पढ़ना है, पीछे वालों को भी पढ़ना है। नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। हमको बनाया
सेवर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। और ये पैगाम आज जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके जाएं, मलाइका फरमाए ये शेर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। खुद दीजियो जीने को सभी को ईज़ा ना पहुंचाओ खुद से किसी को। कुछ लोग बोलते हैं ना, वो बोलते नहीं बल्कि जहर उगलते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हमारे आका पूरी जिंदगी ये पैगाम देते रहे, लोगों कभी भी किसी को ईज़ा मत पहुंचाओ, किसी का दिल मत तोड़ो, किसी को सताओ मत, किसी को तकलीफ मत दो। बल्कि एक अरबी शायर ने तो कहा है कि अगर किसी को चाकू से मारा जाए, अगर किसी को जख्म कर दिया जाए तो इतनी तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जबान से जो तकलीफ पहुंचाई जाती है वो जख्म एक दिन नहीं बल्कि सदियों तक नहीं बनता है। पता चला कि जबान से जो तकलीफ दी जाती है वो सबसे बड़ी तकलीफ हुआ करता है। अल्लाह बहुत बहुत कमजोर हो गया। यही पैगाम है शेर के अंदर, खुद बीजियो जीने दो सभी को ईज़ा ना पहुंचाओ खुद से किसी को। इस्लाम का यही दरसे मुनव्वर अल्लाह राए तकबीर अल्लाह बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। खुद बीजियो जीने दो सभी को ईज़ा ना पहुंचाओ खुद से किसी को। इस्लाम का यही तरसे मुनव्वर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे गौसिया मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलाद उन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती नईमुल कादरी साहिब नबिया सरजमीन सिरसा बेदारी आ गई माशाल्लाह मजमा। सिद्दीको फारूको उस्मानो हैदर जानते कि नहीं सबको आप जानते कि नहीं। सिद्दीको फारूको उस्मानो हैदर अस्हाबो अजवाजो शब्बीरो शब्बर सिद्दीको फारूको उस्मानो हैदर अस्हाबो शबीरो शबर इन सब का एहसान है हम सब के ऊपर सब का एहसान है हम सब के ऊपर नारे तकबीर जिंदाबाद जिंदाबाद। पीछे वाले बड़े खामोश बैठे माशाल्लाह। अल्लाह ने कुर्सी दी है सब लोग नीचे बैठे हैं, आप कुर्सी पे बैठे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। आपकी जिम्मेदारी इनसे ज्यादा बन गई बेशक, अल्लाह ने आपका मर्तबा बुलंद कर दिया कि कुर्सी भी आपको दे जी जी। सिद्दीको फारूको उस्मानो हैदर अस्हाबो अजवाजो शब्बीरो शब्बर इन सब का एहसान है हम सब के ऊपर नारे तकबीर शरीफ आ रही के नहीं। अल्लाह इतना खिलाएगा, लोग कहते हैं कि मौलवियों को बहुत मजे आ रहे हैं ग्यारहवीं शरीफ में जी जी। सुबह में भी बिरयानी, दोपहर में भी बिरयानी, शाम में भी बिरयानी, लेकिन लोगों मौलवियों को मत कोसो, आलिमों को मत कोसो। ये बताओ क्या मौलाना आकिब साहब ने ही बिरयानी खाई, क्या नाना ने बिरयानी खाई, हाफिज रिजवान साहब ने भी बिरयानी खाई, ये बताओ क्या तुम्हें बिरयानी नहीं मिली कि नहीं। अरे बोलो यार, अरे मिली है कि नहीं। तो मौलवियों को मत कोसो, जैसे मौलवियों को मिलेगा ऐसे ही अल्लाह ताला ग्यारहवीं का सबका तुम्हें भी खिलाएगा, अल्लाह तुम्हें भी बिरयानी खिलाएगा। बहुत बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद।
इसलिए मौलवियों पे ज्यादा नजर मत रखो जी, समझे ना। ग्यारहवीं शरीफ का सदका तो सबको मिलता है, हमारी माँ बहनों को मिलेगा इंशाल्लाह। अभी आ रही ग्यारहवीं शरीफ, ये बारहवीं है इंशाल्लाह, ग्यारहवीं भी आने वाली है। बगदादी में खाना चलता रहेगा, अजमेरी का सा छलकता रहेगा, कौसुल वर देंगे बगदादी सागर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। बाकी सिरसा वालों, आपने आज नबी की, नबी से इश्क होने का, आशिक रसूल होने का हक अदा कर दिया। हम बहुत सारी जगहों पे जाते हैं तकरीर करने के लिए, लेकिन जो जज्बा जो हौसला आप सवालों के अंदर देखा है, 100 में एक आधी जगह ऐसा नजर आता है, कहीं तो ऐसा दिखाई देता है कि जिसके दरवाजे पे मिंबर रसूल लगा हुआ है, बिन्नाल और शामियान लगा हुआ है, वो अपने घर के अंदर मीठी नींद सो रहा है, लेकर कुर्बान जाऊं सिरसा के सुन्नी जन्नती मुसलमानों पे। बड़ी जज्बात के साथ यहाँ पर आप बैठे हैं, आप सुबह में काम करने के लिए जाएंगे, लेकिन आपको इसकी परवाह नहीं है, रात में 11 बजने वाले हैं, आप नबी की मोहब्बत में बैठे हैं, लेकिन लोगों आपका बेटा जाए नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह दुनिया में आपको इसकी बरकत अता फरमाएगा और मरने के बाद जन्नत अता कब्र को दूर दूर बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। आने की वजह से सिर्फ जिंदों का फायदा नहीं बल्कि कब्रिस्तान के मुर्दों का भी फायदा। ये कोई किस्सा नहीं है, ये कोई कहानी नहीं सुनाई है मैंने, बल्कि नबी की हदीस सुनाई। और याद रखो हदीस में ये भी लिखा है इमाम अहले सुन्नत फाजले बरेलवी ने पूरी किताब तारीफ फरमा दी कि मुर्दे सुनते भी हैं, मुर्दे देखते भी हैं, कब्रिस्तान के अंदर जितने भी आपके अजीज व अकारिब चले गए हैं, याद रखो उनकी रूहें आई हैं, आज वो खुश हो रही हैं, आज वो मगन हैं, उनके दिलों को तसल्ली है, उनकी रूह को तसल्ली है, आज वो भी खुश हो रही हैं कि हमारी बस्ती में हमारे घर वालों ने जिक्र किया है, आज इनके भी मजे हैं और हमारे भी। मुझे ये जज्बे जो यहाँ पर दिख रहे हैं, मुझे ये बात बार बार कहना पड़ रही है, ये मौलाना आकिब साहब ने आपको खूब तरबियत करके, खूब आपको बिल्कुल मांझ के, बिल्कुल चिट्टा करके, साफ करके आपकी ऐसी तरबियत कर दी है कि आपको नबी का सच्चा दीवाना। आलिम दीन की बस्ती में हो बताओ, तो अगर कोई बाहर का आ जाए आलिम दीन और कब्रिस्तान के पास से सिर्फ उसका गुजर हो जाए तो अल्लाह अजाब कब्र को दूर फरमा दे। तो मुझे बताओ जिस बस्ती के अंदर दीन का आलिम रहता हो, आलिम दीन रहता हो, क्या उस बस्ती के अंदर बरकतें नहीं आएंगी? यार ये बरकत है तो बरकत है कि आलिम दीन की वजह से आपके बच्चे नबी की नाक पढ़ना सीख गए, नजरों से मत देखा करो। ये मैं नहीं कहता मेरे बाप की बात नहीं बल्कि रसूल पाक की बात सुनाओ, रसूल पाक की बात सुनाओ।
हदीस में लिखा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन वअल्लमा। सिरसा के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, मेरे नबी का फरमान है लोगो, तुम में सबसे बेहतर वो है, तुम में सबसे अच्छा वो है, तुम में सबसे खूबसूरत वो है जो खुद भी कुरान को पढ़े और कुरान पढ़ने के बाद दीन की तालीम हासिल करने के बाद दूसरों को कुरान पढ़ा दे। नबी ने ये नहीं फरमाया कि अमीर अच्छा है, मालदार अच्छा है, जिसका घर मकान बहुत बड़ा हो, जिसके पास दौलत के खजाने हो, मेरे नबी ने उसके बारे में नहीं फरमाया। अगर खर्च करेगा तो वो भी अल्लाह की नजर में अच्छा हो जाएगा, लेकिन मेरे नबी ने ये जरूर फरमाया सबसे अच्छा वो है जो कुरान पढ़े और दूसरों को कुरान पढ़ाते हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत उलमा अच्छा है कि नहीं? और मैं आपको बता दूं कितने अच्छे हैं, ये बता दूं कितने अच्छे हैं उलमा। आप सब नीचे बैठे हो लेकिन ये जिक्र करने वाले, अल्लाह ने मिंबर रसूल पे बैठने का शर्फ अता फरमाया। मैं तो कभी कभी अपने दिल में सोचता हूँ कि अगर आले रसूल भी हो, नबी की औलाद भी, अगर कहीं पर जलसे में आने के इत्तेफाक हो जाए। अभी परसों के दिन में पलिया की सर जमीन पर बिलग्राम शरीफ के सज्जादा नशीन हजरत सैयद मोहम्मद हुसैन मियां साहब के जलसे के अंदर मौजूद थे। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनके सामने बैठ के तकरीर करूं, मैं खड़ा हो गया। हजरत की कुर्सी बराबर में थी, हजरत ने मुझे रोक दिया कि आप खड़े होकर तकरीर नहीं करेंगे बल्कि आप बराबर में कुर्सी डाली जाएगी, आप कुर्सी पे बैठ के तकरीर करेंगे। मैंने अपने दिल में सोचा था तेरे पास इतना कुछ भी नहीं है, तुझे तो जीने का सलीका भी नहीं है, लेकिन मैंने समझ लिया कि आज मुझे एक आले रसूल के बराबर में कुर्सी पर बिठाया गया है। ये सिर्फ सिर्फ इसकी वजह ये है कि मैंने कुरान को पढ़ा है, नबी की हदीसों को पढ़ा है और आज ईद मिलादुन नबी के जलसे में नबी का जिक्र करने के लिए आया। नबी का जिक्र करता है अल्लाह उसके रुतबे को बुलंद फरमा देता है। मुझे बताओ जो जिक्र करे उसका रुतबा बुलंद हो जाए तो जो जिक्र सुनेगा नबी का क्या उसके मर्तबे बुलंद नहीं होंगे? कुछ बात समझ में आ रही है? अच्छा लग रहा है कि नबी की महफिल है, नबी की आमद का महीना है, फरमान चाहिए हम जिक्र करें तो देखा जाए तो नबी पे कोई एहसान नहीं कर रहा। हम नबी का जिक्र करके जलसा सजा के नबी के मर्तबे को बुलंद नहीं कर सकते, नबी की शान नहीं बढ़ा सकते, इसलिए कि अल्लाह ने अपने महबूब की शान को बुलंद फरमा दिया। वरफाना लगा जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है बोल है बाला तेरा, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला उबाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा और लोगों, मैंने अभी जो बयान किया कि कुर्सी
सब कुछ नबी के सदके में है, हमारे हमारे किसी की बस की बात नहीं है। ये मत समझना, घमंड मत करना, ये सोचना मत, ये तकब्बुर मत करना, कभी भी दिल में ख्याल मत करना कि मैं कमा रहा हूँ, मुझे अपनी ताकत के बलबूते में मिल रहा है। याद रखो अल्लाह मुस्तफा को अता फरमाता है और सरकार पूरी दुनिया में तस्लीम फरमाता है। इसी को आला हजरत फरमाते हैं, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम। बोलो यार यार। खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। आप भी मिलकर पढ़ लो यार। जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। नौजवानों मोबाइल खूब चलाते हो, रात को भी मोबाइल चलाया, फेसबुक चलाया, व्हाट्सएप चलाया, मोबाइल में मसरूफ हुए, दो दो बजे जब मोबाइल चलाने लगे, इधर अजानें हो रही हैं, मौलाना आसिफ साहब आप पांचों वक्त अजान में पुकार रहे हैं, अल्लाहु अकबर। पर लोगो अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है, फिर कहते हैं हय्या अलस्सलाह। लोगों तुमने सोचा इसका मतलब क्या है? ये मस्जिद के मीनारों से आवाज आ रही है हय्या अलस्सलाह। ए लोगों मोबाइल चलाने वालों, मोबाइल चलाना कोई कामयाबी नहीं है, घर मकान बना लेना कोई कामयाबी नहीं है, दौलत जमा कर लेना कोई कामयाबी नहीं है। कारून ने भी पैसों की दौलत के खजाने जमा किए थे, उसने जन्नत बनाई थी, बल्कि दुनिया वालों को ऐलान कर देता है, ए दुनिया वालों कामयाबी अगर कहीं पर मिलेगी तो अल्लाह के घर में मिलेगी। ये सिर्फ इन्होंने नहीं कहा, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से पैगाम है दुनिया वालों को। हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलफलाह, आओ कामयाबी की तरफ। लेकर मोबाइल चलाते रहे, कभी भी हमने नमाजों की फिक्र नहीं की, कभी भी हमने इस नार अल्लाह अकबर की अजान की फिक्र नहीं की, कभी भी हमने मुअज्जिन के पुकारने को हमने कभी भी उसको महसूस नहीं किया। फिर कहते साहब कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, पीर साहब के पास जा रहे हो, ताबीज डंडे करने वालों के पास जा रहे हो, खूब ठगे जा रहे हो, लेकिन याद रखो मैं नहीं कहता कि ताबीज से असर नहीं होता है, बल्कि आपकी बस्ती में हम तो कभी भी हम तो आ जाए पहली बार आए, क्या पता कब आना हुआ। रिजवान कादरी साहब नकीब अहले सुन्नत आज आ गए, लेकिन आपकी बस्ती में हजरत मौलाना आकिब साहब हमेशा रहेंगे, आपके गांव के रहने वाले। एक आलिमे दीन, मुत्तकी परहेज़गार, हदीसों को पढ़ने वाला, नबी की हदीस लिख के दे देगा, कुरान की आयत लिख के दे देगा, इंशाल्लाह आपकी बीमारी भी सही हो जाएगी, कारोबार की तरक्की के लिए ताबीज दे देंगे तो इंशाल्लाह कारोबार में बरकत भी हो जाएगी। तो मोबाइल चलाए रात में चलाते कि नहीं? मोबाइल चलाने के लिए मैंने लिखा, हम भी चलाते हैं, हम भी चलाते हैं। इसका इस्तेमाल आप सही भी कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल आप बहुत गलत भी कर सकते हैं और कर रहे हैं। इसका सही इस्तेमाल करें, आप इसके अंदर दीनी किताबों को पढ़ सकते हैं। उलमाए अहले सुन्नत आपकी बस्ती में नहीं आ पा रहे, एक साल में जलसा होता है, आप जो है जो सुन्नी उलमा उनकी तकरीरें सुनकर आप अपने ईमान और अकीदों को महफूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखो बहुत सारे यूट्यूबर मौलवी हैं ना, मॉडर्न मौलवी, तो वो ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं कि हमारे बहुत सारे नौजवान बिल्कुल गुमराह होते चले जा रहे हैं। नई नई बातें पैदा हो रही हैं, जवान सबसे ज्यादा बिगड़ रहे हैं, ईमान और अकीदे में बड़ा बिगाड़ पैदा हो रहा है। एक मौलवी तो ये कह रहा था कि जिसने शबे बरात में दो रकअत नमाज अदा कर ली पूरी जिंदगी की नमाजें माफ हो जाएंगी। मौलवी की कभी भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न-ए ईद मिलाद नबी, जश्न-ए ईद मिलाद नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, पापा की आमद, मदनी की आमद, सर झूम के बोलो, लफ्जूम के बोलो, सर जमीन सिरसा, सर जमीन सिरसा, नारे
लोग ऐसे हैं कि बताएंगे आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें, नमाज भी पढ़ेंगे, इस्लामी लिबास भी हो गए, इतनी अच्छी बातें करेंगे कि आपको लगेगा कि ये बरेली के मौलवी जो है ये इतनी अच्छी बातें भी नहीं बताते हैं, ये तो खाली नाक में लगे हुए, लेकिन ये जो जमाते आ रही है बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। लेकिन लोगों याद रखो इनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि इनकी जबानों पे सारी बातें होंगी, ईमान इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। इसलिए आपकी मस्जिद के मिंबर पे आपके गांव का आलिम दीन या जो भी इसके रदारी इनके जलसे में आने वाले सुन्नी उलमा बुलाए जाए, आपको जो भी बातें बता के चले जाए, समझ लेना हमारे सुन्नी उलमा ने जो बता दिया वही सच्ची बात है। हमें मोबाइल चलाते हैं, फजर की नमाज भी गोल हो गई, जोहर की भी गोल, असर की भी गोल, मगरिब की भी नहीं पड़ी, इशा की भी नहीं पड़ी। लोगों याद रखो मोबाइल भी चलाओ, सही इस्तेमाल करो, लेकिन रात में अगर मोबाइल चलाया आपने सही टाइम से सो जाओ, वक्त की कदर करो। जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता है, बच्चों तुम भी सुनो, जवानों तुम भी सुनो, तुम्हारे पढ़ने लिखने की उम्र है, ज्यादा मोबाइल चलाने की उम्र नहीं है। मैंने बड़े बड़े उसके साथ देखा है, मैं नौजवानों को देखता हूँ, 12 साल के लड़कों को देखा कि उनके हाथों में सिगरेटे हैं। मुझे बताओ अभी 12 साल की उम्र है, इनकी बीड़ी सिगरेट पीने की उम्र है, मुझे बताओ इनकी तो पढ़ने लिखने की उम्र है, इनके बिगड़ने की उम्र नहीं है। यार वक्त के सही इस्तेमाल करो, वक्त की कदर करो, जो वक्त की कदर करते वक्त उनकी औकात को बढ़ा देता है, और जो वक्त की कदर नहीं करते औकात वक्त उनकी औकात भी बढ़ा देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। मैं ये कह रहा था कि नमाज पढ़ो और फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपने घर में रोजे रसूल की जानिब, गुम्बदे खजरा की जानिब, मदीना शरीफ की जानिब लौ लगा के हुजूर की बारगाह में पढ़ो, क्योंकि हुजूर अता करने वाले हैं ना, हुजूर ही देने वाले हैं कि नहीं। खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। और दामन फैला फैला के हुजूर की बारगाह में अर्ज किया करो, पढ़ा करो, अगर मैं 1 साल के बाद 2-4 महीने के बाद मौलाना आकिब साहब से फोन पे रब्ता करो कि आपके गांव में भी और दूसरी जगहों पे भी हमने लड़कों को देखा है, हम कोई बुड्ढे नहीं है, हमारी अभी कुव्वत समाअत मजबूत है, हमें खूब सुनाई देता है, हम रास्ते से गुजर के चले जाए। बहुत सारे लड़के गाने गाते हुए नजर आते हैं, लोगों तुम नबी के दीवाने हो, तुमने नबी का कलमा पढ़ा है, वो नबी तुम्हें पैदाइश के वक्त भी नहीं बोला था, कब्र में रख दिया गया, वो नबी तुम्हें उस वक्त भी याद कर रहा था, पूरी जिंदगी तुम्हारी फिक्र करता रहा, शर्म करना चाहिए आज तुम्हें उस नबी की नात का एक शेर भी याद नहीं है। तुम्हें नबी के नात का एक शेर भी याद नहीं है। मैं अगर मौलाना कहूँ कि वो दुरूद जो आला हजरत ने लिखा है, जिसके अंदर हुजूर की बारगाह में अपनी बहुत सारी परेशानियों के हल्का सवाल भी है, वो पढ़ा करो, दामन फैला फैला के हुजूर की बारगाह में कहा करो, इंशाल्लाह मदीने वाले मुस्तफा इतना था करेंगे, इतना देंगे, इतना देंगे, इंशाल्लाह फिर कभी तुम्हें कमी महसूस नहीं होगी। पढ़ना फजर की नमाज पढ़ने के बाद तुम हो जब तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजु शरिया, बस्ती बस्ती परिया परिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती नईमुल कादिर साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। उसके चेहरा बिगड़ जाता था, शक्लें बदल जाती थी,
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अल्लाह ने हमें आपको पैदा फरमा दिया। मेरे रब ने वादा किया जब तक मेरा महबूब अपने गुनाहगार उम्मत के दरमियान में अल्लाह ताला वैसा अज़ाब जैसा पिछली उम्मतों पे आया था मोहम्मद की उम्मत पे नाज़िल नहीं फरमाएगा। तुम बहुत अच्छे हो, उम्मत मोहम्मद भी बहुत अच्छी है। ये मैं नहीं कहता, कुरान शरीफ पढ़ा करो, चौथे पारे में लिखा है कुंतुम खैरा उम्मा। ए महबूब की उम्मत तुम तो बड़ी अच्छी उम्मत हो, तुम्हें तो अल्लाह ने बहुत अच्छा बनाया, जरा तुम अपनी अच्छाई को देखो, इधर तवज्जो करो, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है। अभी और भी उलमा आने वाले हैं और अभी आपको और भी समाप्त करना। मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी कुछ बातें आपके सामने बयान करें। कितने अच्छे हो तुम, कभी हमने तुमने पहचाना हम कितने अच्छे हैं? हमने अपने औकात को समझाई नहीं, हमने अपने आप को महसूस ही नहीं किया। तुम कितने अच्छे हो यार, तुम्हारी अच्छाई की तारीफ तो अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई। तुम कितने अच्छे हो, आदम से लेकर जनाब ईसा तक बेशुमार उम्मतें आई, नबी आए, उनकी उम्मतें थी, हमारी उम्मत हमारे आका की उम्मत, हम जैसे निकम्मे हम जैसे गुनाहगार सबसे बाद में आए, हमारे नबी सबसे आखिरी नबी, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई पैगंबर नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, हमारे आका की उम्मत सबसे आखिरी उम्मत है। लेकिन लोगों दीवानों में चल जाओगे, तुम्हारी कितनी बेहतरी है, तुम कितने अच्छे हो, हम और आप सबसे बाद में आए हैं, इससे पहले बहुत सारी उम्मतें आएंगी। लेकिन हदीस में लिखा है, हदीस की किताबों में लिखा है, ये उम्मत मोहम्मद की सबसे बाद में आई है, लेकिन जब जन्नत में दाखिले की बारी आएगी, जब जन्नत में जाने का नंबर आएगा, तो नूह की उम्मत को नहीं भेजा जाएगा, ईसा और मूसा की उम्मत को नहीं भेजा जाएगा, बल्कि आका और मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को सबसे पहले जन्नत में भेजा जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस उम्मत की शराफत और इज्जत की बात है कि नहीं? कि जो सबसे पहले आई तो उसे जन्नत में सबसे पहले जाने को मिले, और जो सबसे बाद में आई है वो सबसे बाद में जन्नत में जाए। लेकिन कयामत के दिन सबसे पहले इसी मोहम्मद की उम्मत को अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। तो मैंने कहा कि सुबह फजर की नमाज हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ो और नमाज की पाबंदी किया करो। जन्नत में लेके जाएगी दोस्तों नमाज। अच्छा आप नहीं बोलोगे, नमाज को नाम बोलोगे। जलसे में गांव के उलमा ने मौलवियों ने एक मुकर्रर साहब को बुलाया, तो उन्होंने नमाज के ऊपर तकरीर की, नमाज के बारे में खूब जो है दिलचस्पी दिलाई, तरदीब दिलाई, और खूब नमाज छोड़ने पे जो गुना है खूब जो है हदीस के हवाले से बयान किए, कुरान के हवाले से बयान किए। तो गांव के लोग ये कह रहे थे कि अब के बार इन जैसे मौलाना को मत बुलाना जो बार बार नमाज की बातें बता रहा है। ऐसे ऐसे भी हैं हमारे समाज में, अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह ताला नमाज की मोहब्बत पैदा फरमाए। तुम भी नमाज पढ़ा करो, आज कारोबार में बरकत नहीं, उसकी वजह ये है इसलिए कि जो नमाज नहीं पढ़ता है, जिस घर के अंदर पे नमाजी होता है अल्लाह ताला उस घर की बरकत को छीन लिया करता है, उस घर में कभी भी बरकत नहीं आती। जन्नत में लेके जाएगी दोस्तों नमाज, दीदार हक कराएगी दोस्तों नमाज। जन्नत में नरम नरम बिछौनों के तख्त पर आराम से सुलाएगी दोस्तों नमाज। पढ़ते रहो नमाज साथ लो सामान आखिरत, महशर में काम आएगी दोस्तों नमाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन्नबी, जश्ने ईद मिलादुन्नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्का की आमद, मदनी की आमद, सब झूठ के बोलो, लब झूठ के बोलो, नारे तकबीर, सर जमीन सिरसा, सर जमीन सिरसा।
उसने के आला हजरत हुजूर का दरिया इल्म का दरिया इल्म का दरिया कौन बना रहमान काबा कौन बना मेहमान काबा नारे तकबीर नारे रिसाला ये मत समझना सिरसा बाप अंदर है बरेली से ये कभी भी महसूस मत करना कि हम हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ेंगे हुजूर की बारगाह में सलाम पढ़ेंगे पता नहीं कबूल होगा कि नहीं हुजूर सुनेंगे कि नहीं अभी अभी नकीब अहले सुन्नत ने भी बताया कि हुजूर सुनते हैं इसलिए कि हुजूर की बारगाह में सिर्फ इंसानों ने फरियाद नहीं की सिरसा वालों जरा तवज्जो के साथ सुनना अकीदे की बात भी है ईमान ताजा हो जाएगा अल्लाह के रसूल की बारगाह में ऊँटों ने भी शिकायत की अपने मालिकों की अल्लाह के रसूल की बारगाह में चरिंदों परिंदों ने भी शिकायत की यहाँ तक के वो सुतू ने हन्नाना वो लकड़ी का दरा वो लकड़ी का तना जिस पे टेक लगा के मेरे आका मस्जिद नबी के अंदर खुतबा दिया करते थे जब मस्जिद नबी के अंदर पक्का मेंबर बना दिया गया वो लकड़ी का सुतू रोने लगा गिरियाओं सारी करने लगा मेरे नबी ने उसके दुख को महसूस कर लिया उसकी तकलीफ को महसूस कर लिया उसकी गिरियाओं सारी करने को मेरे नबी ने महसूस कर लिया आज भी नबी की बारगाह में मदीना शरीफ पर आका के रोजे पर जिसे आका के रोजे पर जाने की तमन्ना है मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अच्छा कितने लोग आए हैं हज करके आए हैं भाई यहां पर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दो लोग हैं और तीसरा अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूब माँ बाप की दुआओं के सत्ते में अल्लाह ताला ने 2019 में मक्का मदीना की हाजिरी नसीब वहाँ पर इन्होंने देखा है हाजी साहब जानते हैं हुजूर की बारगाह में सिर्फ बरेली वाले नहीं जाते सिर्फ इंडिया वाले नहीं जाते बल्कि पूरी दुनिया में कितने भी मुल्क हैं कितने भी शहर हैं कितनी भी बस्तियां हैं हर इलाके से हुजूर की बारगाह में जाते हैं हुजूर की बारगाह में फरियाद करते हैं अपनी अपनी ज़बानों में हुजूर की बारगाह में सलाम पढ़ते हैं दुरूद पढ़ते हैं वहाँ पर कोई हुजूर की बारगाह में तर्जमा करने वाला नहीं है ट्रांसलेट करने वाला नहीं है एक ज़बान को दूसरी ज़बान में बदलने वाला नहीं है इसलिए कि सरकार की बारगाह में जो भी जाता है फरियाद करता है हुजूर सबकी सुना करते हैं और सबकी परेशानियों को हल करते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद